तेरा मेरा है प्यार अमर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है घर के कामों से। तो किचन के मैं थोड़ा साफ़ सफाई कर लेती हूँ, किचन थोड़ा गंदा हो गया है, फिर उसके बाद बाकी सारे काम करूँगी। गाइस अभी दिन ब दिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और गाइस आज हमारे घर का कूलर पंखा भी ख़राब हो गया है, तो आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है और लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कट सकता है। कुछ दिन पहले कूलर का मोटर को बनवा के लाए थे, लेकिन नहीं पता कैसे में ख़राब हो गया फिर से। तो गाइस नाश्ता का कुछ गंदा बर्तन पड़ा हुआ है, उसको भी धो लेती हूँ। अब ज़्यादा बर्तन तो नहीं है, थोड़ा सा ही है, बर्तन को धो लेती हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा भी करना है। तो गई सारा बर्तन धुला ही चुका है, अब मैं जा रही हूँ बर्तन स्टैंड में रख देती हूँ, झाड़ू पोछा हो जाएगा, फिर उसके बाद कपड़ा भी धोना है। गाइस मैं कुछ दिनों बाद प्रिया के भैया की शादी में जाऊँगी, शादी का भी आप सभी को ब्लॉग दिखाऊंगी, और मेरे सारे फ्रेंड भी आएंगे, बहुत इंजॉय करेंगे हम लोग। तो गई झाड़ू लग चुका है, चलिए मैं पोछा लगा लेती हूँ। अभी तो लाइट नहीं कटा है, लेकिन कभी भी लाइट कट सकता है, अक्सर इतना टाइम डेली लाइट कट जाता है। तो मैं जल्दी से पोछा लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं कपड़ा धोऊंगी। गाइस इस रूम में जो मैं डिजाइन बनाई हूँ दीवार पे, उसको मैं सोच रही हूँ कि हटा दूँ, क्योंकि फीका फीका हो गया है कलर और ठीक भी नहीं लग रहा है। देखते हैं, किसी दिन कलर को चेंज कर दूंगी। तो चलिए गाइस कपड़ा को भी मैं जल्दी से धो लेती हूँ, यहाँ पर अभी छांव है, नहीं तो धूप आ जाता है। आज तो मैं नहीं नहाऊंगी, क्योंकि मेरे गला में थोड़ा दर्द हो रहा है और मेरे को सर्दी जैसा लग रहा है। बस कपड़ा को धो देती हूँ, ज़्यादा तो नहीं है कपड़ा धोने के लिए, और अभी मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रहा है, तो आप भी अपना ख्याल रखिएगा। घर का सारा काम कर चुकी हूँ, और ये देखिए वसीम भैया आए हैं आज हमारे यहाँ, क्योंकि उनके दुकान को छुट्टी है, आज छुट्टी में है वसीम भैया। और एक बार मैं उनके हाथ का चिकन खाई थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं, तो आज मेरे घर में बनाएंगे। तो अभी बंटी भैया और वसीम भैया जाएंगे चिकन लेने के लिए। गाइस ये देखिए भैया कहाँ गाड़ी को घुसा दिए हैं, नाला में चला रहे हैं। मैं भैया को बोली थी कि मेन रोड से जाइएगा, लेकिन मेरे भैया शॉर्टकट के वजह से खेत वाले रास्ता से जा रहे हैं। गाइस हमारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर मेन रोड आ जाता है, और खेत वाले रास्ते से थोड़ा पास भी पड़ता है। तो गाइस भैया लोग आ चुके हैं मुर्गे की दुकान में। आज वसीम भैया चिकन का रेसिपी शेयर करेंगे आप सभी से, थोड़ा स्पेशल तरीके से। गाइस वो बहुत ही अच्छा चिकन बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है उनका चिकन बनाया हुआ, मैं खाई हूँ। तो मैं बोली 2 किलो का मुर्गा ले आइएगा, सभी लोग खाएंगे, पार्टी करेंगे सभी लोग मिलकर। तो गाइस भैया मुर्गा लेकर आ चुके हैं, अब चलिए बनाया जाए। चिकन के लिए मैं प्याज कट कर लेती हूँ, और भैया चिकन को काट चुके हैं, धो रहे हैं। आज बहुत ही मज़ा आ जाएगा, सभी लोग मिलकर बनाएंगे खाना, और खाना खाने के बाद हम सभी को सुनने के लिए मिलेगा वसीम भैया का गाना, आपको भी आज मज़ा आने वाला है। तो चलिए इस कढ़ाई में तेल को अच्छे से डाल के गरम कर लेते हैं, फिर उसके बाद चिकन को तलेंगे। मैं चावल बना रही हूँ और इधर वसीम भैया चिकन बना रहे हैं। तेल अच्छे से गरम हो चुका है, और इसमें जीरा, तेजपत्ता, लौंग और इलायची डाल देंगे, फिर उसके बाद प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से लाल होते तक भूंज लेंगे। प्याज अच्छे से लाल हो जाएगा, फिर उसके बाद चिकन को डालेंगे। ये देखिए प्याज अच्छे से लाल हो चुका है। चिकन भुंजाते तक लहसुन छील लेते हैं मसाला के लिए। तो गाइस मैं चिकन में डालने के लिए टमाटर भी काट लेती हूँ, ज़्यादा टमाटर तो नहीं डालूंगी, 2-3 ही टमाटर डालूंगी। तो गाइस मैं टमाटर को कट करके दे देती हूँ वसीम भैया को, फिर उसके बाद मैं मसाला पीसूंगी। चिकन को अभी और टाइम लगेगा भुंजाने में, तब तक से मैं जा रही हूँ चिकन के लिए मैं मसाला पीस लेती हूँ। गाइस चिकन भुंजा चुका है, अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं। मसाला भी पिसा चुका है, अब इसको भी डाल देते हैं। मसाला और पानी डाल के इसको अच्छे से पकाएंगे। भूख भी बहुत तेज लग रहा है, चावल तो बन ही चुका है, बस चिकन बनना बाकी है। हाय
फाइनली गाइस चिकन बन के रेडी हो चुके हैं और चिकन में से बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है और बहुत तेज भूख भी लग रहा है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। गाइस अब मैं सबके लिए खाना निकाल लेती हूँ, सबको भूख लगा है। मस्त गर्मा गर्म खाने में अभी मज़ा आ जाएगा। अम्मी बोली कि अभी मैं नहीं खाऊंगी, तुम लोग खा लो। तो गाइस मैं सबके लिए खाना निकाल चुकी हूँ, चलिए सबको दे देते हैं। और गाइस आज तो हद से ज़्यादा गर्मी लग रहा है क्योंकि कूलर पंखा भी ख़राब हो चुका है, आज ही के दिन इसको ख़राब होना था। चलिए कोई बात नहीं, अब खाना खा लेते हैं और खा कर बताते हैं आप सभी को कि चिकन कैसा बना है। वसीम भैया बनाए हैं तो टेस्टी ही बना होगा। तो चलिए गाइस अब बिस्मिल्लाह करते हैं। एक नंबर गाइस, मज़ा आ गया खाकर। तो गाइस अब खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद वसीम भैया आप सभी को गाना सुनाएंगे। के दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों में, खुदा करे कि तेरा मेरे बगैर जीना लगे। मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तो मेरी जान नजर कर दूं। सो गाइस वसीम भैया को कुछ अर्जेंट काम था तो वो चले गए हैं घर, और अभी अम्मी और मैं जा रहे हैं लहसुन प्याज के खेत में। लहसुन अच्छे से कंदा गया है तो उसी को जा रहे हैं खोदने के लिए। चलिए गाइस अब चलते हैं, नाना नानी और मामी लोग तो सुबह खोद रहे थे लहसुन को, देखते हैं हम लोग का लहसुन कितना बड़ा बड़ा हुआ है। चलिए गाइस अब खोद के देखते हैं, जमीन तो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गया है, खोदा ही नहीं रहा है। ये देखिए एक लहसुन निकला, धूप में बहुत तेज किया है, बस एक क्यारी को खोद के निकालेंगे। अभी इसको कर ले रहे हैं, फिर सुबह करेंगे। लहसुन पूरा निकल जाएगा, फिर उसके बाद प्याज को निकालेंगे, प्याज भी अच्छे से हो ही गया है। ऐसे एक क्यारी का हम लोग खोदे हैं और बहुत ही ज्यादा धूप है, तो हम लोग कल सुबह उठ के जल्दी पूरा को खोदेंगे। तो अभी जा रहे हैं घर, बहुत ही ज़्यादा धूप लग रहा है। ये देखिए गाइस जो बड़ी मामी लहसुन लगाई थी उसको भी निकाल के ले आई है खेत से। मामी से पूछी तो मामी भी एक क्यारी का बस निकाली है, और अलीजा भी अपनी अम्मी का हेल्प कर रही है। सो गाइस आज का वीडियो यहीं तक रखती हूँ, आई होप आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय।